वेलकम टू माई चैनल फ्यूल द फ्यूचर। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो डायना बॉमराइन नाम की एक साइकोलॉजिस्ट थी, जिन्होंने एक थ्योरी दी थी और जिसको हम पिलर थ्योरी और बॉमराइन पेरेंटिंग स्टाइल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि जो पेरेंटिंग स्टाइल है और एक चाइल्ड का बिहेवियर है वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया तो आपके बच्चे का बिहेवियर बिल्डअप होता है वो आपके पेरेंटिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। तो इन्होंने तीन तरह के पेरेंटिंग स्टाइल को बताया है जो हम वीडियो में जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखना मत भूलिएगा कि आप किस तरह का पेरेंटिंग स्टाइल फॉलो करते हैं और आपको कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल बेस्ट लगता है। सबसे पहला जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसको नाम दिया गया है अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन में एक वर्ड आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब ही होता है दूसरों पे अधिकार जमाना। तो इस पेरेंटिंग स्टाइल में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे पे पूरा अधिकार जमाते हैं। वो इतने डिमांडिंग होते हैं कि वो बच्चे की फीलिंग्स, उनके ओपिनियंस को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। उनके ख्याल में यही सही होता है कि बच्चों को सारी एक्सपेक्टेशन, सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना है उनके, और बिना भी कुछ भी बोले, बिना कुछ भी अपोज किए उनको सारी चीज़ों को मानना है। ऐसे जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं ये चाहते हैं कि उनका बच्चा कुछ भी नहीं बोले और सिर्फ सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर दे, और अगर वो पूरा नहीं कर पाता तो फिर उनको पनिशमेंट दी जाती है, उन्हें डांटा जाता है। तो ऐसे होते हैं हमारे अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। अगर आप ऐसे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए अपने बच्चों के साथ हमें, क्योंकि बच्चों को पूरा अधिकार है अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का। अगर आपसे नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे वो शेयर करने। ये बिल्कुल भी अपने बच्चों को कोई राइट नहीं देते कुछ भी बोलने का। आप इनके सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना ही इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग स्टाइल होती है ये, और जो आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। 19 क्यों आए, 20 क्यों नहीं आए, ऐसे जो पेरेंट्स रहते हैं वो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल को ही फॉलो कर रहे होते हैं। आप इस पेरेंटिंग स्टाइल में सिर्फ वन साइडेड कम्युनिकेशन होता है। बच्चा हर बात को सुनेगा और पेरेंट ही सब कुछ बोलेगा, और सारी बातों को मानना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे बच्चे के लिए। तो इस तरह का होता है हमारा अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग का जो बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है वो किस तरह का पड़ता है। जो बच्चा है अपनी फीलिंग्स को हमेशा दबा के रखता है, वो किसी से भी अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में उसे बहुत प्रॉब्लम होती है फ्यूचर में भी, क्योंकि उसको ऐसे ही पेरेंटिंग स्टाइल में पाला गया है। तो वो किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को आगे चल के शेयर करेगा, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब। और ऐसे बच्चे बहुत वीक फील करते हैं, और फ्रेंड्स बनाने में, सोशल होने में इनको बहुत टाइम लगता है, और न्यू एनवायरनमेंट पे फिट होने में भी बहुत टाइम लगता है ऐसे बच्चों को। और जो लेवल होता है डिप्रेशन का इन बच्चों में ही ज़्यादा होता है, क्योंकि जब बच्चा अपनी बात नहीं बोल पा रहा है तो सब उसके अंदर ही भरा हुआ है, तो वो किस तरह से खुश रह पाएगा। तो इस तरह से बच्चों पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप ही अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल को फॉलो करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा लीनियंसी दीजिए अपनी पेरेंटिंग स्टाइल में, क्योंकि इससे कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ बच्चे के माइंड में उसकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। बात करते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल की। इस पेरेंटिंग स्टाइल में बैलेंस होता है डिमांड और रिस्पांस के बीच में। वो ऐसे पेरेंट डिमांड तो करते हैं पर वो ये भी ध्यान में रखते हैं कि बच्चे का रिस्पांस इस पर कैसा आ रहा है, और ये मतलब रूल रेगुलेशन बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, पर बच्चों को भी मौका देते हैं कि हाँ आप भी बोल सकते हैं कि आपको क्या पसंद नहीं आ रहा। तो बच्चों के लिए लीनियंसी होती है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में। आप दोनों जो अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग सिमिलर सा लग रहा है, पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में आप जो बच्चा है वो एज ओबीडियंस चाइल्ड रहेगा, वो बिना क्वेश्चन के सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगा, पर अथॉरिटेटिव में लीनियंसी है। बच्चा अपनी बात को बोल सकता है, उसको कुछ चेंज करना है या कुछ उसे नहीं पसंद आया तो वो बता सकता है।
अगर आपका भी बच्चा आपसे कुछ शेयर कर रहा है और ऐसे बोल रहा है कि उसको फैमिली रूल्स में ये पसंद नहीं है या इस टाइम की लिमिट बढ़ा दें, ऐसा कुछ बातें बोल रहा है, तो आप समझिए कि आप भी अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग को फॉलो करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और डायना बॉमराइन ने इस पेरेंटिंग स्टाइल को बेस्ट माना है, क्योंकि टू साइडेड कम्युनिकेशन होता है, पेरेंट्स भी अपने रूल रेगुलेशन को बताते हैं और बच्चा भी उस पर अपना रिस्पॉन्स देता है। तो ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल को ही बेस्ट मान सकते हैं हम, जहाँ पे दोनों ही लोग आपस में बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को डांटते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उनको लीनियंसी ही देते हैं, रूल रेगुलेशन यहाँ पे भी हैं, पर वो जिस तरह से डांटते हैं उन्होंने अपने बच्चे पे एक ट्रस्ट बनाया होता है, इसलिए बच्चे को उनके डांटने का कोई बैड कॉन्सिक्वेंस नहीं होता, तो वो भी पॉजिटिवली उनकी डांट को लेता है और चीज़ों को समझता है और फ्यूचर में ऐसी गलती ना करे ऐसी कोशिश करता है। तो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग को आप भी अपनाइए। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में रहने वाले बच्चे जो हैं, इनका जो नेचर होता है वो इस तरह का होता है कि ये रूल्स को अपनी खुशी से फॉलो करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के साथ इनका एक अलग से बॉन्डिंग, एक ट्रस्ट होता है, क्लोजनेस होती है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों के बीच में, तो इनको अच्छा लगता है रूल्स को फॉलो करना, अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना। और ये इनके जो लेवल ऑफ डिप्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है, कम रहता है। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, सिर्फ रूल और रेगुलेशंस को ही फॉलो नहीं करते ऐसे बच्चे जो हैं ये भी समझते हैं कि हमें दूसरों की बात भी उतनी ही सुननी चाहिए जितनी अपनी बात कहनी चाहिए। तो ये बच्चे बाहर की दुनिया के साथ भी बहुत अच्छा जो रिलेशन है बनाने में सक्सेसफुल होते हैं। थर्ड टाइप की पेरेंटिंग की बात करते हैं, जिसको हम परमिसिव के नाम से जानते हैं। इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो रूल्स बना देते हैं, पर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका बच्चा उसे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। इस पेरेंटिंग में मतलब जो पेरेंट है आपका वो एक दोस्त बन जाता है, बच्चा है वो पेरेंट बन जाता है, और उसको पता होता है कि मुझे कैसे किस तरीके से ये चीज़ चाहिए, तो वो उस तरीके से पेरेंट्स से वो चीज़ ले लेता है। तो ये है हमारा परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल, जहाँ पे आप बच्चे को पूरी लीनियंसी दे देंगे कि वो कुछ भी करे, और अगर वो दूसरों के साथ भी कोई गलती कर देता है तो आप ये कह के डाल देते हैं कि ये बच्चा ही तो है, जाने दीजिए, ऐसे आप सोच रखते हैं परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल में। हमारे पेरेंट्स हमने बिल्कुल भी रोकेंगे टोकेंगे नहीं, हमें बिल्कुल भी कोई रूल्स और उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करना है, अगर नहीं भी करेंगे तो हमें कोई पनिशमेंट कुछ नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं रहता किसी चीज़ का, सिर्फ जो बच्चे का साइड है वो हैवी रहता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका पेरेंट बहुत अच्छा है, उसको कुछ नहीं कहने वाला। और यहाँ पे जो परमिसिव पेरेंट में बच्चा जो है वो पेरेंट को सप्रेस करता है, वो उन पे दबाव डालता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और मुझे नहीं मिलेगा तो मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, और पेरेंट डर जाते हैं और वो बिल्कुल लीनियंट होके सारी बच्चे की एक्सपेक्टेशन, सारी डिमांड्स को पूरा कर देते हैं। बच्चा ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल में रहा है जहाँ उसकी सारी डिमांड्स को पूरा किया जाता हो, उस बच्चे को आगे कितनी प्रॉब्लम आने वाली है, वो दुनिया के बनाए हुए नॉर्म्स में बिल्कुल एडजस्ट होने में उसे बहुत प्रॉब्लम होती है, हमेशा वो ऐसे चाहता है कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन में रहे, हर कोई उसकी बात करे, हर कोई उसकी डिमांड्स को पूरा कर दे, और ऐसे बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है एडजस्ट होने में और किसी भी रूल को फॉलो करने में। पेरेंटिंग स्टाइल है ये बॉमराइन पेरेंटिंग थ्योरी में नहीं था, इसको 1983 में बाय मकॉबी एंड मार्टिन ने इंक्लूड किया, जो कि दोनों ही साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बताया कि जो नेगलेक्टफुल या फिर अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें क्या होता है, वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है कि पेरेंट्स बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहता अपने बच्चे की लाइफ में, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका बच्चा कितने मार्क्स ला रहा है, किस तरह बिहेवियर बिल्डअप हो रहा है। तो ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बहुत कोल्ड होते हैं, अनरिस्पॉन्सिव बहुत ज़्यादा होते हैं,
पर ऐसा नहीं है, जो टाइप के पेरेंट्स हैं ये इंटेंशनली ऐसा करते हैं। ऐसा भी बहुत सारे केसेस में होता है कि इनकी हेल्थ प्रॉब्लम रहती है ऐसे पेरेंट्स के साथ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, या फिर आपकी फैमिली में कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, तो बहुत सारे रीज़न की वजह से ये अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए इनको नाम नेग्लेक्टफुल या फिर अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग का नाम दिया गया है। नेगलेक्टफुल या फिर अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग में रहने वाले बच्चों का जो नेचर है वो ऐसा हो जाता है कि इनको कोई सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती है, और डायरेक्शन ना मिलने की वजह से ये बहुत गलत कदम भी उठा देते हैं अपनी लाइफ में। इनको जब अपने पेरेंट्स का प्यार, उनका अटेंशन ही नहीं मिला, तो ये किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इनके साथ एक और प्रॉब्लम होती है कि बहुत इम्पल्सिव नेचर शो करते हैं, मतलब कोई भी डिसीजन ले लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे, तो इनका नेचर बहुत इम्पल्सिव हो जाता है। फुल पेरेंटिंग स्टाइल को हमें नेग्लेक्ट ही कर देना चाहिए, ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल को फॉलो करना ही नहीं चाहिए कभी। सो आपको पता ही चल गया होगा कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है। आप अपने बच्चे को समझिए, जितना आप उसे समझेंगे उतना रिटर्न में वो बच्चा आपको समझने की कोशिश करेगा। फिर आप कोई भी रूल रेगुलेशन बनाइए, वो ट्रस्ट करके आपके रूल्स को फॉलो करेगा। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा और आप ज़रूर एक अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल को फॉलो करेंगे अपने बच्चे के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है फ्यूल द फ्यूचर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने छोटे अपने बड़े और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।